Good afternoon, everyone. A very good afternoon to all of you. Good afternoon, everyone. कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी कह लो, है ना? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, और क्या बोलते हैं जी? आया नू एंड ईद मुबारक. आज ईद है, सो ईद मुबारक टू एवरीवन एंड हैप्पी थर्ड नवरात्र. गुड आफ्टरनून बेटा. चलिए, सो कल हमने हेक्साडेसिमल भी कर ही लिया था. सो वी डिड डेसिमल टू ऑक्टल एज वेल एज हेक्साडेसिमल यस्टरडे. सो मैंने आज की क्लास में क्या करने का शेड्यूल किया है? बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. आपको ये जान के खुशी होगी कि इन कन्वर्जन्स में ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती है. बाइनरी टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, यहाँ पर फिक्स्ड कोड्स होते हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, सो वी कैन रिप्लेस दैट डायरेक्टली. जय माता दी, राधे राधे. गुड आफ्टरनून. जोश बड़ा है आज. हाँ, वेरी गुड. जोश, देखो जोश जो है ना वो सीधे सीधा दिखता है नंबर ऑफ लाइक्स से. सो नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग तो चलो होता ही है. हाउ मेनी आर वॉचिंग, दैट शोज दी हाई जोश. बट उसके साथ साथ लाइक्स कितने आ रहे हैं, दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द जोश, है ना? तो भाई ये जोश लाइक्स पे भी रिफ्लेक्ट कराओ और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो कि मैम आ गई हैं लाइव, आप भी आ जाओ. वेरी गुड, यस कनक, बिल्कुल सही. सो बाइनरी टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. अच्छा, जो मैथ्स का मैंने कल अपलोड किया था, जो लोग ऐप पे नहीं है, ऐप वालों ने तो लाइव अटेंड करी थी, बट जो मैथ्स की क्लास अपलोड की थी वो समझ आई सबको? यू वॉन्ट मोर लेसन ऑन मैथ्स? हाउ मेनी मार्क्स आर गुड मार्क्स अबव 200 एनीथिंग? निशांत वॉचिंग फ्रॉम बांग्लादेश, दैट्स ग्रेट. आर यू ऑल्सो गिविंग आईपीयू सीईटी? टॉप चैट वो क्या होता है उज्जवल? अच्छा, मैं चैट वहां पे क्यों पढ़ रही हूँ? मेरे हाथ में फोन है तो. हाँ जी, अच्छे से करना जरूरी है. थोड़ा थोड़ा ईशांत, एंट्रेंस के लिए थोड़ा, जब पढ़ोगे बीसीए में तब तो बहुत अच्छे से करना जरूरी है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. देखो ऑक्टल में कितने डिजिट्स होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव इन ऑक्टल नंबर्स? व्हाट इज द रेडिक्स और बेस ऑफ ऑक्टल? इट इज एट, राइट? एंड सिमिलर वे फॉर हेक्साडेसिमल, द बेस इज 16. अब एट कॉम्बिनेशंस कितनी बिट्स को यूज करके बन सकते हैं? ठीक है, सो दैट विल बी थ्री, बिकॉज 2 raised to the power 3 इज 8. ओके रेड स्वॉर्ड, विच कोर्स यू आर डूइंग इन योर यूनिवर्सिटी? कंप्यूटर साइंस. सो ऑक्टल में 8 होता है. सिंस 2 raised to the power 3 इज 8, सो 3 बिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अ बाइनरी, सो ऑक्टल डिजिट नॉट बाइनरी. 3 bits आर यूज टू रिप्रेजेंट एन ऑक्टल डिजिट. यहां पर आपके पास 2 raised to the power 4 16 होता है, इसीलिए 4 bits आर यूज टू रिप्रेजेंट अ हेक्सा डेसिमल डिजिट. ठीक है, सो आपके पास 3 bits आर यूज टू रिप्रेजेंट एन ऑक्टल डिजिट, 4 bits आर यूज टू रिप्रेजेंट अ हेक्सा डेसिमल डिजिट. सो यहां पर हम क्या करेंगे, कोई भी आपका
ऑक्टल नंबर है उसको हम 3 बिट्स बाइनरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर जो है उसको हम 4 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन, अब इसका एक लिस्ट है जो आप बिल्कुल सिंपली याद रख सकते हो। सो ऑक्टल नंबर्स हमारे पास कितने होते हैं? 8। सो ये लिख लिया आपने। देखो 4 to 1 बहुत अच्छा लॉजिक है, बट अगर मैं आपको उससे भी इजी लॉजिक बता दूं जिसमें कुछ करना ही नहीं है, 4 बार 0 लिखो, 4 बार 1 लिखो, देन राइट 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, देन इट इज 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, सो वी हैव रिटन 3 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम 1, देन 0 1 0 1 0 1। ये आपका पूरा टेबल क्रिएट हो गया ऑक्टल और बाइनरी का। ठीक है, अब अगर आपको एक ऑक्टल नंबर दिया जाता है, लेट्स से आई एम गिवन 7142, आपको कहा जाता है कि ये ऑक्टल है, इसका बाइनरी बताओ। ठीक है, अब इस ऑक्टल का आपको बाइनरी बनाना है, तो बहुत सिंपल है। 7 का क्या है? 111। 1 का क्या है? 001। 4 का है 100। 2 का है 010। सिंपली कन्वर्ट हो गया, है ना। सो आपको ये टेबल आपने साइड पे बना लिया रफ पे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इससे बेटर है तो आप एक और काम कर सकते हो कि इंस्टेड इंस्टेड ऑफ यू नो मेकिंग द टेबल, हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यूज होती है। सो ये कौन सी प्लेसेस पे है? शुरू की 3 प्लेस वैल्यूज है ना। सो 2 रेशो द पावर 0 इज 1, 2 रेशो द पावर 1 इज 2, 2 रेशो द पावर 2 इज 4। सो 4 to 1 कोड आप यूज कर सकते हो। 4 to 1 में जैसे मुझे 5 बनाना है, तो 5 कैसे आएगा? 4 और 1 को एड करके, है ना। हाउ विल यू गेट 5? इफ यू एड 4 and 1 टूगेदर तो आपके पास 5 बनेगा। तो जिसको एड करके बनता है उसके नीचे 1 लिखो, जो नहीं चाहिए उसके नीचे 0 लिख दो। सो ये क्या बन गया आपका? 5। अगर मुझे 6 चाहिए तो 6 कैसे आएगा? 4 plus 2 को एड करके, तो 4 और 2 के नीचे 1, बाकी 0। ठीक है, हिमांशु मैं आपको वो वाले टॉपिक्स कराऊंगी बेटा जो नॉन मैथ्स अच्छे से कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स के पास मैथ्स नहीं था 12th में, जो टॉपिक्स आप इजीली कर सकते हो, आई विल बी कवरिंग दैट। ठीक है, सो ये 4 to 1 वाली टेक्निक है। सो ऑक्टल टू बाइनरी तो हमारा हो गया ऐसे शिफ्ट। ठीक है, अब अगर बाइनरी नंबर गिवन है, यू आर गिवन अ बाइनरी नंबर लाइक दिस, और इसका आपको ऑक्टल बताना है, तो हम कैसे करेंगे? सो इसमें हम 3 3 के ग्रुप्स बनाएंगे, और वो ग्रुप्स शुरू होते हैं राइट साइड से। सो मैंने इसको बना लिया, देन इधर से, इधर से, इधर से। सो मेरे पास राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं बेटा, राइट टू लेफ्ट, हाँ। सो राइट टू लेफ्ट इस तरफ को बनाने आपने। सो पहले ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3। 110 क्या हुआ? वॉट इज 110? और आप ये याद रख सकते हो कि पीछे से बनाएंगे, वो भी इजी है। 6 7 3 6। सो दिस इज योर ऑक्टल नंबर। बीस्ट, ये 3 4 6 2 कैसे आया बेटा? अब तो इट इज 110 इज 6, 111 इज 7, 011 इज 3, 110 इज अगेन 6। सो इट 6 7 3 6। ठीक है, सो दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसमें भी आपके पास ऐसे वेरिएशंस आ सकती हैं, जैसे कि मुझे ये नंबर दिया हुआ है 110 110 0 0 0 1 1 0 1 0, समथिंग लाइक दैट, और इसमें पॉइंट्स में भी दे दिया वैल्यू, ये 0 है, आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? सो देखो डेसिमल यहां पर है, सो डेसिमल के इस तरफ इधर को ग्रुप्स बनेंगे और इस तरफ
इधर को ग्रुप्स बनेंगे, ओके ठीक है? सो हाउ विल बी मेक ग्रुप्स, ये 0 1 0 का एक हो गया, फिर ये हो गया अनदर ग्रुप, दिस इज अनदर वन, अनदर वन। अब यहाँ पे 2 बिट्स बची है, लेकिन ग्रुप तो 3 का बनता है, 3 का बनता है ना, तो यहां पर हम एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। सो वी विल ऐड एन एक्स्ट्रा 0 टुवर्ड्स दिस साइड। सिमिलर वे इस तरफ ग्रुप्स आप इधर को बनाओगे, अगर यहां पे बिट कम होती तो 0 लगा देते, ठीक है? सो बिट्स जो है ये इस तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे। अब 0 1 1 कितना होगा? 3। फिर 0 1 1 है, दैट इज 3। 1 0 0 इज 4। 0 1 1 इज 3। 0 1 0 इज 2। डेसिमल 101 कितना होगा? 5। 100 कितना होगा? 4। सो इट विल बी 3 3 4 3 2.54। आप वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिला बेटा, फ्री स्टडी मटेरियल पे जाओ हिमांशु, ऐप में देयर विल बी अ थिंग फॉर फ्री स्टडी मटेरियल। आप उसमें जाओगे, उसमें आईपीयू सीईटी का फोल्डर होगा, वहां पर पेपर की पीडीएफ है, ठीक है? एंड अदर नोट्स आर आल्सो अवेलेबल ओवर देयर, सो यू कैन चेक ओवर देयर। फाइन, ओके, आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, आई विल बी राइट बैक। सॉल्व दिस, ये बाइनरी नंबर है, आपको बताना है इसका रिस्पेक्टिव ऑक्टल क्या होगा, एज वेल एज ये मेरा ऑक्टल नंबर है, आपको बताना है इसका बाइनरी क्या होगा। सो फर्स्ट वाले का आंसर आपने लिखा है 547.52। ओके, लेट मी चेक। सो ये आपका 3 बन गया, फिर ये 3, फिर ये 3, ठीक है? ये 3 और पीछे एक 0 ऐड हो जाएगा। सो दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 7, दिस इज 5। गुड क्वेश्चन हिमांशु, दिस इज मैथ्स इन कंप्यूटर साइंस, ये नंबर सिस्टम है। सो इट्स 547.52, ठीक है? फर्स्ट वाला सही है, जिसने भी लिखा है, शौर्य, आयुष, बीस्ट, अंशिका, ट्रेन, संजय, मनीष, एवरीवन इज करेक्ट। देन आपके पास ये सेकंड वाला है, इसको आपने डायरेक्ट कन्वर्ट करना है, तो इसमें आयुष ने लिखा है 100 111 011, यस। सो इसमें आपके पास 4 इज 100, 7 इज 111, 3 इज 011, एंड 1 इज 001, ठीक है? सो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इट्स क्वाइट सिंपल, है ना? अगर इसमें पॉइंट्स में भी होता तो भी हम बहुत आराम से कर लेते हैं। लाइक अगर मेरे पास होता 75.32 और इसको मुझे कन्वर्ट कराना है ऑक्टल में, तो 7 111, 5 101, 3 011 01। सो कुछ भी नहीं करना, जो भी डिजिट है उसके बदले में सिर्फ उसका रिस्पेक्टिव बाइनरी लिख देना आपने, दैट्स इट, दैट विल बी योर कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। और बाइनरी टू ऑक्टल करने में आपको बस ग्रुप्स बनाने, ठीक है? एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट। फाइन, ये क्लियर है ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल? इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? इज इट क्लियर? अब जैसे हमने ऑक्टल के लिए नंबर्स लिखे थे, वैसे ही आप हेक्साडेसिमल के भी लिख सकते हो। हेक्साडेसिमल में हमारे पास 16 डिजिट्स होते हैं, है ना? सो वी हैव 16 डिजिट्स इन हेक्साडेसिमल। सो इफ आई एम टेकिंग दैट, सो वन ऑप्शन इज दैट यू टेक 8 टाइम्स 0,
देन 8 टाइम्स 1, देन 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. सो या तो आप ऐसे कर लो, अदरवाइज इजिएस्ट ऑप्शन है आपकी 8 4 2 1, विच इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, है ना. सो 2 रेश्यो पर 0 1 होता है, 2 रेश्यो पर 1 इज 2, 2 रेश्यो पर 2 इज 4, 2 रेश्यो पर 3 इज 8. अब अगर मुझे इसमें 11 बनाना है तो 11 कैसे आएगा, 8 2 और 1 को ऐड करके, है ना. 11 क्या होता है, 8 प्लस 2 प्लस 1, तो आप 8 के नीचे 1 लगाओ, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 1. सो दिस इज 11, दैट मींस बी. ठीक है, अगर आपको 9 बनाना है तो 9 कैसे आता है, 8 प्लस 1, तो 8 के नीचे 1 आएगा, बाकी दोनों 0 और फिर 1. अगर मुझे यहाँ पर 8 ही बनाना है तो 8 हो जाएगा आपका ये, बाकी आपके पास सब सेम रहेंगे. 5 बनाना है तो 4 और 1 को ऐड करके बनेगा. ठीक है, अगर मुझे ई बनाना है, ई इज 14, तो ई अगर मुझे बनाना है तो 14 कैसे आएगा, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14. सो ये तीनों पे 1 और ये 0. और 15 क्या होगा, पांचों चारों को ऐड कर दो तो आपका 15 बन जाएगा. सो इसलिए 8 4 2 1 ज्यादा इजी टेक्निक है, बट अगर किसी को समझने में दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप ये टेबल भी बना सकते हो, ये ज्यादा इजी है, बट दिस इज हाउ वी वर्क विद इट. ठीक है, अब इसमें सेम जैसे हमने ऑक्टल को किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे. अगर मुझे यहाँ पर एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया जाता है और कहते हैं कि उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, आई कैन सिंपली पुट द कोड ओवर देयर. सो मुझे यहाँ पर बोला है कि भाई एक नंबर है F37B, दिस इज अ हेक्साडेसिमल नंबर, इसका बाइनरी बताओ. ठीक है, तो F क्या है, 4 बार 1, 3 क्या है, 0011, 7 क्या है, 0111, B क्या है, A B मतलब 11, 11 मतलब 8 4 2 1, दिस. सो दिस शुड बी द इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर द गिवन हेक्साडेसिमल नंबर. और अगर आपको बाइनरी दिया हुआ है और आपको कहा है कि इसको कन्वर्ट कराओ किसमें, हेक्साडेसिमल में, तो इसमें कितने के ग्रुप्स बनेंगे, कितनी बिट्स के ग्रुप्स बनाने हैं इसमें हमें, हाउ मेनी बिट्स शुड बी ग्रुप्ड, बताइए. 4 के, सो हम यहाँ पे भी राइट टू लेफ्ट चलेंगे, इधर से शुरू करेंगे, ये 4 का एक ग्रुप बन गया, फिर ये 4 का एक ग्रुप बन गया, फिर ये 4 हो गए, फिर ये 4 हो गए, और फिर ये 4. ठीक है, यहाँ पे एक बिट कम थी तो मैंने यहाँ पे 0 अपने आप से ऐड कर दिया. ठीक है, अब 0101 कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0101, व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट फॉर 0101. 5. फिर आया 1100, 8 प्लस 4 12, है ना, 8 प्लस 4 12 हो गया. 12 किसके लिए है, ए बी सी, सी के लिए, सो इट शुड बी सी. वेरी गुड पारस, वेरी गुड बीस्ट. ठीक है, इट शुड बी सी. 0011, 0011 इज 3, अगेन 0011 इज 3, एंड 1001 इज 9. सो करेक्ट आंसर इज आयुष, सी आएगा बेटा, ए नहीं है. इट्स 5C339, 5C339. ठीक है, इसमें भी पॉइंट्स में हो तो बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने अभी पहले किया था. सो लेट्स डू वन एग्जांपल इन पॉइंट्स. सो इफ आई गिव यू 837.2C, इसका बताओ बाइनरी क्या होगा.
दिस इज बाइनरी, इसका बताओ हेक्साडेसिमल क्या होगा। हाँ आज भी मैथ्स करेंगे, आप बताओ। इफ यू वांट टू डू मैथ्स तो मैथ्स कराएंगे, इफ यू वांट टू डू समथिंग एल्स तो कुछ और भी करा सकते हैं। आई वॉज प्लानिंग टू डू सेट्स टूडे एट 4 o'clock। सेट्स के ऊपर पक्का क्वेश्चन आता ना मैथ्स में, तो मैं सोच रही थी पहले सेट्स करा देते हैं। ओके आयुष, इंग्लिश के एमसीक्यू की क्लास अभी रखते हैं, नहीं तो आई विल अपलोड द रिकॉर्डेड वीडियो टुडे। आज अगर नहीं हुई क्लास तो मैं आज एक जीके की वीडियो अपलोड कर दूंगी, एज वेल एज आई विल अपलोड फॉर इंग्लिश, ठीक है? तो आप उसमें से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो अगर लाइव नहीं कर पाए तो। इसका आंसर बताओ। न्यू टू योर चैनल एंड योर टीचिंग स्टाइल इज अमेजिंग, थैंक यू इशिता। आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एवरी कंसेप्ट क्लियरली। आई हैड अ क्वेश्चन अबाउट हाउ मच मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू गेट इनटू विप्स। बेटा इफ यू गेट अराउंड 250 आउट ऑफ 400 देन यू हैव वेरी गुड चांसेस टू गेट इनटू विप्स। आपको 500 से कम का रैंक चाहिए होता है विप्स में जाने के लिए। 500 भी मैं तब बोल रही हूँ जब तीसरी काउंसलिंग तक पहुंचेंगे। फर्स्ट काउंसलिंग में तो वो 200 तक रैंक में ही निपट जाता है, बट देन आफ्टर दैट जो आपकी कट ऑफ है वो बढ़ती जाती है अप टिल थर्ड काउंसलिंग। ओके, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इस बार जैसे ही टाइम आएगा, पर आप पिछली वीडियोस में, लास्ट ईयर की वीडियोस में भी देख सकते हो कि काउंसलिंग का एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होता है, हाउ डू यू मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट एंड एवरीथिंग। सो इसमें ए है आपका पहले का आंसर, तो किसी ने भी नहीं लिखा, सब दूसरे का आंसर ही लिख रहे हैं ना, इतनी ज्यादा 1010 कौन लिखे मैम, है ना? सो मैं लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। ए जो है वो है 1010, 3 है 0011, 7 है 0111, 2 है 0010 और सी क्या हो जाएगा, ए बी सी, सी मतलब 12, सो 12 इज 8421। नहीं आया मेरे पास, मतलब मेरी चैट में समहाउ इट इज नॉट शोइंग अप बाइनरी वाला। अच्छा फिर वो कुछ चक्कर होगा इसका यूट्यूब का चैट फिल्टर का, आई कांट सी द बाइनरी आंसर, पर कोई बात नहीं मैच कर लो, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है? अब दूसरा आंसर मुझे दिख रहा है जो आप लोगों ने लिखा है 1662.28। शौर्य, उमंग, बीस, विपिन, डीडी, मनीष, सिद्धार्थ, संजय, एवरीबडी हैज गिवन एंड यस पारस ने दिया है पहले, फिर बोलेगा कि मैम पहले आंसर देने पर पड़ती नहीं है, है ना पारस? So, इसमें हम चार चार के ग्रुप बना लेंगे। टॉप चार्ट को लाइव चार्ट पे कहां से, यहां? अच्छा इधर। सम मैसेजेस सच एज पोटेंशियल स्पैम मे नॉट बी विजिबल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो टॉप चार्ट ही रहने दो ना, कम से कम स्पैम तो नहीं आ रहा, वैसे तो आप लोग स्पैम करते भी नहीं हो। चलो ये लो, ठीक है। सो अभी हमारे पास क्या है, 0010 का एक ग्रुप बन गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया और फिर ये आपका 001 हो गया, देन इधर से और इधर से ग्रुप बनेंगे, यहां पर 0 आ जाएगा। सो यहां पर आपके पास 0001 इज 1, फिर 6 है, फिर से 6 है, फिर क्या था, 2.28, दिस वॉज द आंसर, ठीक है? सो ये हो गया आपका हाउ डू यू कन्वर्ट टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है? अब आप मुझे करके दिखाओगे क्वेश्चन वेर आई हैव 7DB9.1
3, 5. This is a hexadecimal number. Convert it to octal. Convert it to octal. 7DB9.35 hexadecimal number है. इसको आप octal में convert करके बताओ कि क्या आएगा. What should be the respective octal number for this? Yes, beast. Octal बताना है बेटा इसका octal. You have to tell me the octal number for this. This is your hexadecimal number. आपको बताना है इसका equivalent octal क्या बनेगा. We started Himanshu 3-4 days back. 4 दिन पुरानी वीडियो से पढ़ना शुरू कर दो. इसी प्लेलिस्ट में आप अगर आईपीयू सीईटी प्रिपेयर कर रहे हो तो डे 1 से देखना शुरू कर दो. हाँ पता ही नहीं है क्या होता है तो पता चल जाएगा इफ यू वॉच फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो. ठीक है. ओके आंसर हमारे पास आ गए हैं पारस और मनीष और तनिष्का का. सबका सेम है तो शुड बी करेक्ट. बट चलो सॉल्व करके देखते हैं. सो 0111 इज 7 डी ई एफ सो दैट इज 13 है ना. सो डी इज 13. 13 इज 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13. ए बी बी इज 11. 8 प्लस 2 प्लस 1 9 इज 1001. ठीक है. फिर आपके पास आ गया 3 0011. फिर है 5 दैट इज 0111. सही लिखा है मैंने. ठीक है. सीयूईटी की आशुतोष 11:15 पे क्लास होती है बेटा. फॉर सीयूईटी द क्लास इज एट 11:15. कल नहीं है मंडे से दोबारा शुरू होगी. फॉर टुमारो वी विल हैव इट. अदरवाइज 11:15 इन द मॉर्निंग वी हैव सीयूईटी. CET is at 12. अब इसके ग्रुप्स बनेंगे इधर से. हमें कन्वर्ट किस में करना है ऑक्टल में. तो हम तीन तीन के ग्रुप्स बनाएंगे. सो 001111 ये हो गया ये हो गया ये हो गया. ये जीरो रह गया इसको छोड़ देंगे. फिर इधर से तीन तीन के बनेंगे और यहाँ पीछे जीरो आ जाएगा. सो पहला है 7 4 प्लस 2 6 फिर 6 फिर 7 फिर 1. ठीक है. फिर आपके पास आ गया 1 5. ये आपने गलत कर दिया. ये सबने 2 क्यों लिखा है बेटा. 1 1 0 नहीं है. दो बार 1 नहीं है हमारे पास. दो बार 1 है ना. दो बार 1 है तो वो तो 6 बनेगा ना. Why everyone is writing 2. वो भी कर सकते हो मनीष लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हो जाएगी उस पर. उसमें आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अगर आप उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हो और फिर ऑक्टल में करते हो. मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे. अच्छा मैंने कुछ गलत लिखा है. 3 हो गया 0011. अच्छा मैंने 7 कर दिया. ठीक है. नाउ इट्स गुड फाइन थैंक यू. ओके सो इट इज 1 2. आप लोग का सही है. ऊपर मैंने 5 का गलत लिख दिया था. आई रोट 7 फॉर दैट. सो दिस इज योर इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर. ठीक है. सो ये आपका ऑक्टल नंबर हो गया. तो अगर आपको ऐसे आ जाता है कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में करो या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में करो तो आप पहले बाइनरी में करके फिर कन्वर्ट कर सकते हो. अगर आप डेसिमल में करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा. पहले सोचो मैं इसकी 16 की पावर्स ही निकालती रह जाऊंगी यहाँ पे. सो दिस विल बी 9 मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज टू द पावर 0. Then B multiplied by 16 raised to the power 1. D multiplied by 16 raised to the power 2. Then 7 multiplied by 16 raised to the power 3. और ये और ज्यादा है. 3 upon 16. Plus ये क्या हो जाएगा 5 upon 16 raised to the power 2. कर लोगे इतना सब कुछ.
वुड यू बी एबल टू डू दैट? अगर आप कर सकते हो गो फॉर दिस वे, पर तरीके दोनों सही होंगे, उससे भी वही आंसर आएगा, इससे भी वही आंसर आएगा. सो आप हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करके डेसिमल टू ऑक्टल कर सकते हो, बट इट वुड बी अ लॉन्गर मेथड. तो मेरे पास अगर छोटी और इजी ऑप्शन अवेलेबल है, सो व्हाई शुड आई गो दैट वे, है ना? अगर हम कान को ऐसे पकड़ सकते हैं तो ऐसे ऐसे मतलब ऐसे पकड़ सकते हैं, तो ऐसे घुमा के पकड़ने की क्या जरूरत है? सो ऑप्ट फॉर द इजी वे, है ना? सो इसलिए हम इसको बाइनरी की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो ये तो हो गया आपका नंबर सिस्टम. अब नंबर सिस्टम में हमारे पास आगे बाइनरी अरिथमेटिक आता है, जो हम आगे की क्लासेस में करेंगे. बाइनरी अरिथमेटिक जो होता है वो आपके पास डिफरेंट चीज है. बाइनरी अरिथमेटिक इज कि आप किस तरह से बाइनरी वैल्यूज पे काम करते हो. ठीक है, वो बाइनरी अरिथमेटिक आता है कि बाइनरी वैल्यूज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे कर. मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं आएगा आपको, प्लस माइनस आ सकता है. उसके अंदर वी विल बी डूइंग वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. सो कल हम करेंगे लॉजिक गेट्स. किस वाले में अधिरत बेटा? अगर आप, मैं बताती हूँ आपको, रुक जाओ, एक और एग्जाम्पल देके बताती हूँ. टुमोरो वील स्टार्ट विद लॉजिक गेट्स, और उसके बाद अगले वीक की क्लासेस भी मैंने शेड्यूल कर दी हैं. सो यू कैन सी इन दी यूट्यूब प्लेलिस्ट कि आपकी इसके बाद नेक्स्ट वीक किस किस टॉपिक की क्लास किस किस दिन है. ठीक है, सो आई हैव शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट वीक ऑल्सो. हाँ, जीरो का पेयर देखो आधिरथ, अगर आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू है राइट, और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो हेक्साडेसिमल में, ये बाइनरी है. इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट टू हेक्साडेसिमल, तो आप चार का ग्रुप बनाओगे. अब इधर एक जीरो कम पड़ रहा है, तो मैं यहां पर जीरो लगा दूंगी. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 0101 दैट इज 5, और ये 8 प्लस 2 11 प्लस 1 12, ए बी सी, ए बी सी, तो ये सी बन गया. ठीक है, अच्छा वो जीरो, आगे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती अधिरथ. आप अगर बोलते हो कि मैंने आपको 15 रुपए दिए, या मैं आपको बोलूं मैंने आपको 0 15 रुपए दिए, कोई फर्क पड़ेगा? 11 है ना, हाँ बी बनेगा. ठीक है, इट्स बी, इट्स नॉट सी. थैंक यू उमंग. सो यहां पर ये वाले जीरो की वैल्यू नहीं है. ऐसे ही डेसिमल के पीछे अगर जीरो होता है तो ये जीरो नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो डेसिमल से पहले जो जीरो होते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. सिमिलर वे पीछे वालों की कोई वैल्यू नहीं होती. ठीक है, इसलिए वहां पे जीरो नहीं लगाया. पर अगर आप लिख भी दोगे आंसर में जीरो, वो तो आपको ऑप्शंस पे डिपेंड पड़ेगा ना, डिपेंड करेगा. आपको तो एमसीक्यू आएंगे, तो एमसीक्यू में आप देख लेना कि ऑप्शन कौन सी है, अकॉर्डिंगली यू विल चूज. एमसीए नहीं बेटा, एमसीए सीईटी के लिए सेम नहीं होता, एमसीए के लिए निम सेट होता है. उसमें मैथ्स बहुत ज्यादा आता है, और कंप्यूटर्स में सी प्लस प्लस वगैरह पे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट, इफ आई टेल यू इन ब्रीफ, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ये मेरे पास नंबर है, अगर आप इसमें जीरो को वन कर दो और वन को जीरो कर दो, तो उसको क्या बोलते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा करना. तो जो जीरोज हैं वो वंस बन जाएंगे, जो वंस हैं वो जीरोज बन जाएंगे. ठीक है, तो दैट इज सेट टू बी वंस कॉम्प्लीमेंट. और अगर हम यहां पर एक वन ऐड कर दें इसके अंदर, जीरो प्लस वन इज वन, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाए. अब यहां तो ये जीरो था तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, पर अगर यहां पे भी वन होता तो प्रॉब्लम होती. ठीक है, तो उसमें बाइनरी अरिथमेटिक आपको पता होना जरूरी है. सो वेट फॉर अ फ्यू डेज, मंडे को हम बाइनरी अरिथमेटिक और बूलियन अलजेब्रा करेंगे. सो आपको समझ आ जाएगा उसमें कि ये सब कैसे होता है. बट टुमोरो वी आर गोइंग टू वर्क विथ लॉजिक गेट्स. अगर किसी नंबर का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले उसका एट्स, हाँ जी, पहले उसका एट्स कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर उसमें वन ऐड करेंगे. जैसे अगर आपके पास नंबर बोला है 735, आपको बोला है इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप इसमें से 735 को माइनस कर दोगे. किसमें से? 999 में से.
सो 9 9 9 में से मैंने इसको माइनस कर दिया, 9 में से 5 माइनस किया 4, 9 में से 3 माइनस किया 6, 9 में से 7 माइनस किया 2, सो 264 क्या आ गया, 9th कॉम्प्लीमेंट। और फिर आपको 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें प्लस 1 कर दो, सो 265 विल बी दी 10th कॉम्प्लीमेंट। बेस हमेशा जो होता है, एक तो बेस का कॉम्प्लीमेंट निकलता है, जो बेस अगर n है मतलब 10 है तो n's कॉम्प्लीमेंट एंड n माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं। सो जैसे बाइनरी है तो उसमें 2's और 1's कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑक्टल नंबर है तो उसका 7's एंड 8's कॉम्प्लीमेंट होगा, डेसिमल नंबर है तो 9's एंड 10 कॉम्प्लीमेंट होगा, हेक्साडेसिमल नंबर है तो 15 एंड 16 कॉम्प्लीमेंट होगा। सो अगर मेरे पास एक ऑक्टल नंबर गिवन है 1 3 4 2, इसका आपको 7's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप इसको 7's में से माइनस कर दोगे। सो ये हो गया 7's कॉम्प्लीमेंट, प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 8's कॉम्प्लीमेंट। सो हमेशा इसमें जो बाइनरी भी है जिसमें 0 का 1 बन रहा है, 1 का 0 बन रहा है, वो क्यों बन रहा है, क्योंकि आप 1 1 1 1 1 में से माइनस कर रहे हो उसको, तो 1 माइनस 1 विल बी 0 एंड 1 माइनस 0 विल बी 1। Yes, there is an app. App का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है Affinity, और ऐप के ऊपर भी हम लाइव क्लासेस करते हैं रोज, 4 बजे लाइव क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, सो 4 PM वी हैव लाइव क्लास ऑन द ऐप, जिसमें अभी हमने मैथ्स शुरू किया है, वी ऑल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस। AL कोडर्स आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और अभी 16th ऑफ दिस मंथ तक, अभी आज 1:30 पे नहीं होगी शौर्य, बट आई विल इन्फॉर्म यू कि कब होगी, नॉट एट 1:30, ठीक है। सो अभी ऐप के ऊपर 50% डिस्काउंट है फॉर नवरात्रि, सो फेस्टिव 50 कोड यूज करोगे आप तो आपको ये कोर्स सिर्फ 225 रुपीज का पड़ेगा, 225 में आपके पास मोमोज आते हैं बस, है ना, और यहाँ पे पूरा कोर्स मिल रहा है। I will be uploading the video कनक if I will not be able to take live for English, पर आपको बचे हुए questions video में मिल जाएंगे, ठीक है। 449 का course है, 50% आपको off मिल रहा है, and we conduct live classes every day 4 PM Monday to Friday, ठीक है। और आप वहां पे अपने group में बाकी के BCA aspirants के साथ chat भी कर सकते हो, तो app पे आपका अपना group होता है where you can share the stuff, you can have discussions and other stuff, ठीक है। So yeah, and आपकी live classes में आप मुझसे बात भी कर सकते हो, because there is a way to communicate with me, यहाँ पे आप सिर्फ chat कर सकते हो। I keep very nominal charges because that is what I need for the maintenance of the app. Otherwise, अगर मेरे को app के maintenance नहीं देना होता तो मैं शायद ये भी charge नहीं करती हूँ, ठीक है जी। हाँ, sets वाली class 4 बजे तो पक्का है, fine। चलिए, that's it for now. I'll see you at 4 o'clock and tomorrow 12 o'clock on YouTube. Bye for now, everyone. Take care. Have a great day.